हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्रीनू। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज के हम वीडियो में बात करेंगे 2024 बोर्ड की तैयारी आप लोगों को कैसे करनी है क्लास ट्वेल्थ कृषि वर्ग के बच्चों के लिए। जो भी स्टूडेंट इस पर बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं ट्वेल्थ, जो भी कृषि वर्ग के हैं, इसमें बात करेंगे कृषि वर्ग बच्चों की, मतलब कि कैसे कैसे उसमें सब्जेक्ट होते हैं और कितनी उसके पासिंग मार्क्स होते हैं, ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट में ज़्यादा बैक लगती है, ठीक है, किस सब्जेक्ट को थोड़ा नॉर्मल अगर कम भी पढ़ेंगे तब भी चल जाएगा, किसमें बैक लगने ज़्यादा चांसेस रहते हैं, इन सारी डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। कितने में पासिंग मार्क्स समान हिंदी का कितना होता है, प्रैक्टिकल होता या नहीं होता, ये सारे जितने भी डाउट होते हैं बेसिक डाउट, वो सारे डाउट आपके क्लियर इस वीडियो में हो जाएंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो में अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो को पसंद आया आपको तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा प्यारा सा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए आप लोग, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों में विषय कौन कौन से हैं, तो इसमें कौन सा विषय पहला आपका रहता है, कृषि सस्य विज्ञान रहता है, जो कि सेकेंड होता है। पहला आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं तो कृषि विज्ञान सस्य विज्ञान जो होता है सेकेंड, ठीक है, जिसमें आप उद्यान विज्ञान पढ़ते हैं, ठीक है। और आपका होता है कृषि पशुपालन, ठीक है, एक होता है कृषि अर्थशास्त्र, ठीक है, ये आपके तीन जो हो गए चैप्टर विषय, ठीक। उसके बाद आपका रहता है कृषि जंतु विज्ञान और आपका रह जाएगा कृषि रसायन विज्ञान। इसके बाद रहता है सामान्य हिंदी। ये टोटल आपके छः जो होते हैं सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। अब इसमें जो छः सब्जेक्ट हैं आपके, उसको कैसे आपको तैयार करना है, ठीक है, ताकि आपका अच्छा स्कोर बन सके। ये तो आपको भी पता होगा कि कक्षा 11 में जो आपका होता है बोर्ड एग्ज़ाम, जो बोर्ड एग्ज़ाम में होता है उसी के आधार पर कक्षा 12th का जो है आपका परसेंटेज बनता है, ठीक है, उसी के आधार पर। अगर उसमें आप जिस हिसाब से किए होंगे उससे कितना आप अधिक इसमें ला पाते हैं, उसी के आधार पर आपका जो है आपका बनेगा मेरिट, ठीक है। तो वो हम बताएंगे कैसे आपका होता है, ठीक है। बाकी अब ये आपके टोटल इतने सब्जेक्ट हो गए। अब इसमें जो है कैसे आपको स्टार्टिंग करनी है, और पहले आपको अपने आप को एनालिसिस करना है कि तुम्हारी तैयारी कितनी है, ठीक है। ये तैयारी कैसे अपनी चेक करोगे? देखो, एक टाइप के बच्चे ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं कि बेसिक, जिनका बेसिक जो होता है, बेसिक कमज़ोर होता है, क्या होता है, कमज़ोर होता है, ठीक है, बेसिक कमज़ोर इन द सेंस, वो जो है फर्स्ट ईयर जो उनका हुआ, जो फर्स्ट ईयर में थे वो भी वहाँ पर फोकस से वो पढ़े नहीं, पहली बात तो एक ही, जिससे कि उनका परसेंटेज तो पहले ही कम होगा, ठीक है, जो अच्छे से नहीं पढ़े होंगे। दूसरे जिनका बेसिक तो अच्छा था, मतलब फर्स्ट ईयर में अच्छा होगा, ठीक है, फर्स्ट ईयर में अच्छे से पढ़ाई की है, लेकिन जो है जिससे उनका बेसिक तो कम्प्लीट हुआ, ठीक है, वो बात करें उसकी, तो इसको कहेंगे अच्छे बच्चे होंगे, ठीक है। अब इंटर में वो ध्यान से नहीं पढ़ पा रहे होंगे, ठीक, मान लो किसी कार्यवश में, किसी कार्य में या किसी की तैयारी करने लगे होंगे तो उसमें वो थोड़ा नहीं पढ़ पा रहे होंगे, एक तो ये हो गए बच्चों। अब देखो इसमें तुमको कैसे उसको अपने आप को तैयार करना है, प्रिपेयर करना है। जो कमज़ोर बच्चे वो हैं जो अब फर्स्ट ईयर में फोकस करके नहीं रखे, बस ऐसे ही बस है कि हाँ पढ़ेंगे पास हो जाए, किसी प्रकार से बस पास हो जाए, मेरिट का कोई मतलब नहीं है। देखो सभी प्रकार के बच्चे होते हैं, कुछ लोग मेरिट वाले होते हैं, मतलब जिन्होंने चाहते हैं कि अच्छा मेरिट मिल जाए, और कुछ ऐसे थे बस पास हो जाए, हमें तो कुछ और करना है, मतलब बिजनेस करना है, कुछ भी करना है, सभी अलग अलग फील्ड में सोचते होंगे जाने के लिए, ठीक है, बिजनेस में कोई मेरिट की आवश्यकता तुम्हारी है नहीं, ठीक है। तो इस हिसाब से तो देखो जिन्हें पास होना है तो वो क्या कर सकते हैं, और जो अच्छे हैं उनको और अच्छा कैसे कर सकते हैं, इन दोनों के बारे में बात करेंगे। उससे पहले बात करें तो इसमें जैसे कि आपको ये याद रखना है इसमें पासिंग मार्क्स क्या होती है। अब कमज़ोर वाले बच्चे यहाँ पर समझे, ठीक है, अब उनको क्या लाना है, पासिंग मार्क्स ही तो लाना है कि जो खाली मेरिट पास होने के लिए हैं, जैसे कि उनका मेरिट क्या रहेगा। देखो पासिंग मार्क्स कितना होता है इसमें, पासिंग नंबर कह सकते हैं, पासिंग नंबर कितने होते हैं, देखो इन सभी में जो होता है 100 नंबर का तो ट्वेल्थ पेपर तो होगा ये, ठीक है, 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें से 50 जो होंगे वो कैसे, प्रैक्टिकल फाइल जो आंतरिक होते हैं, ठीक है, इंटरनल जिसे कहते हैं, ठीक है, इंटरनल, और 50 होते हैं एक्सटर्नल, यानी कि जो आप बाहर पेपर आएगा, जो आपका पेपर आता है वो 50 नंबर का आएगा, कितने का, 50 नंबर का पेपर आपका आएगा, 50 नंबर का, ठीक है, जो बाहर जब आप बोर्ड में देने जाओगे, जब प्रवेश पत्र पर जब आपको मिलेगा तब देने जाओगे, वो वाला पेपर बता रहा हूँ, ठीक है, वो 50 नंबर का होगा। अब ये जो 50 नंबर का होगा उसमें से जो आपको 17 नंबर लाने होंगे, ठीक है, पासिंग मार्क्स के लिए, ध्यान पूर्वक सुनते जाओ कितने लाने हैं कितने नहीं लाने हैं, ठीक है, ये देखो 17, ठीक है, इतने नंबर आपके होने चाहिए, अगर इतने नंबर आपके पास हैं 50 में से तो आप पास हो जाएंगे, ठीक है, तो आपका पासिंग मार्क्स कितना होगा, 17 आपका पासिंग मार्क्स हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद
अब आपको कैसे ये 17 नंबर पूरे करने हैं ये आपको मैं बताऊंगा, ठीक है, वो आप थोड़ा ध्यान रखिए। उसके अलावा ये एक सब्जेक्ट बचता है तुम्हारा समान हिंदी, ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि आपका प्रैक्टिकल नहीं होता है। क्या प्रैक्टिकल नहीं होता है? समान हिंदी में कोई प्रैक्टिकल आपका नहीं होगा। ये टोटल कितने का होगा? 100 नंबर का क्वेश्चन होता है। 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर आएगा कितने का? 100 नंबर का, ठीक है। उसमें भी 50 नंबर आपका गद्य रहेगा, 50 आपका पद्य रहेगा, ठीक है। तो ये अलग अलग है, उसके बारे में डिटेल बताऊंगा कि समान हिंदी एक हिंदी होती है, दो प्रकार के पेपर होते हैं। तो तुम लोगों का क्या है? समान हिंदी, ठीक है। और जो PCM PCB वाले होते हैं उनके लिए होता है हिंदी, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपको तैयारी किसकी करनी है? समान हिंदी की करनी है। तो इसमें दो होते हैं पेपर, मतलब एक ही पेपर होता है, उसमें अलग अलग करके 100 नंबर के आता है, ठीक है। अब कैसे होता है ये मैं आपको बताऊंगा डिटेल, समान हिंदी का जो सिलेबस है उसके बारे में, तब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। एक दो दिन में आपको वीडियो मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखो 100 नंबर का आपका ये होगा। अब 100 नंबर का ये पेपर होगा, उसमें से कितने आपके लाने होंगे? तो इसमें आपको 33% जो है आपको लाने होंगे, यानी कि 33 नंबर आपको लाने होंगे। 100 में से आप 33 नंबर ले आते हैं तो आप पास हो जाएंगे, ठीक है, इसमें, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है इसका, ये आपका क्राइटेरिया होता है किसका? समान हिंदी में, ठीक है। बाकी अगर कुछ चेंज होगा तो मैं आपको देख कर बता दूंगा, लेकिन अभी तक का यही है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, हो सकता है चेंज हो जाए, अब बाद में वीडियो आप देखें तो आप कहें कि सर ने ये बता दिया था। तो ये जो है अभी जो प्रेजेंट में हुआ है इस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। हिंदी का ये आपका पासिंग मार्क्स 33 है, ठीक है, इसमें आपका 17 है। तो ये आपको समझ में आना होगा, जिसको सिर्फ ऐसा करना कि सिर्फ पास होने के भरे के नंबर मिल जाए, उन लोगों के लिए ये हो गया, ठीक है। अब जिन्हें स्कोरिंग करना है, यानी कि अच्छा उनको स्कोर करना है, वो ध्यान से पूर्वक सुने। अब उनके लिए क्या है? जिनका बेसिक तो अच्छा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है जिनका बेसिक अच्छा है और जो कमज़ोर, दोनों लोग ध्यान पूर्वक दें। यहाँ पर देखो जो आपको मैं वीडियो कवर कराता हूँ, जो मैं आपको वीडियोज प्रोवाइड कराता हूँ जिसमें MCQ रहते हैं, जिनके थ्रू आपका कवर क्या क्या होगा, जिसमें कि आपके MCQ क्वेश्चन जो होते हैं 5 नंबर के आते हैं। ये मैं पेपर का पैटर्न बता रहा हूँ कैसा पेपर आता है, ठीक है। उसमें MCQ रहेंगे 5 नंबर के क्या रहते हैं? MCQ रहते हैं। और निश्चित प्रश्न जो आते हैं, निश्चित, ये सभी की बात कर रहा हूँ, चाहे आपके कृषि विज्ञान, पशुपालन, अर्थशास्त्र और कृषि जंतु विज्ञान, कृषि रसायन विज्ञान, इन सभी में 5 नंबर का निश्चित प्रश्न रहेंगे, जिनको एक एक अक्षर में से पूछा जाएगा। अमीबा में प्रचलन होता है तो डायरेक्ट लिखोगे कूट पाद के द्वारा होता है, या पूछेगा आपका अम्बरी वैरायटी है किसकी, तो बताओगे सेब की वैरायटी है, बस ऐसे ही करते हैं। निश्चित अंतरीय क्वेश्चन इसमें भी 5 नंबर का होता है, ठीक है, ये 5 नंबर का होगा। मॉडल पेपर ऑलरेडी मैं डाल रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, निश्चित रहता है। उसके बाद अति निश्चित प्रश्न रहते हैं, जो आपके अति निश्चित प्रश्न होते हैं, जो आपके अति निश्चित प्रश्न होंगे, ये आपके कितने 5 नंबर के होते हैं, कितने 5 नंबर के होते हैं, ये भी 5 नंबर के। तो देखो यहाँ पर 5 नंबर के, सॉरी ये 5 क्वेश्चन होते हैं तो 10 नंबर के हो जाएंगे, ये 5×10 रहते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके कितने 10 नंबर बनते हैं, कितने 10 नंबर बनते हैं। अब देखो ध्यानपूर्वक समझो, जो वीडियो मैं कवर कराता हूँ जिसमें कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से, या फिर सुपर 20 क्वेश्चन के नाम से, या फिर आपके जो है निचोड़, जो पूरी वीडियो का है, पूरी बुक का निचोड़ MCQ रहता है, ये जिस प्रकार के मैं वीडियो पिछली बार बनाया था उसके बारे में बता रहा हूँ कैसे आपको पढ़ना है। तो इसमें जो आपके 20 नंबर जो होते हैं वो टोटल 50 में से वो आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे, ठीक है। 50 नंबर आपके कहाँ से? 50 में से 20 नंबर आपके कवर होंगे कहाँ से? इन वीडियोज से, ठीक है, जो आपको चैप्टर वाइज मिलेगी MCQ, ठीक है। इस प्रकार से आप डेली अगर पढ़ते जाओगे कंटिन्यू, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ वीडियो। मैं आप भी, आप अगर अभी तक कॉलेज गए हैं या नहीं गए हैं, आप पढ़ते हैं, इंटरेस्ट है या नहीं है, इससे मतलब मुझे नहीं है। अगर आप सिर्फ ये वीडियो देखते हैं कंटिन्यू, पेपर जब तक नहीं होता तब तक आपको ध्यानपूर्वक देखना होगा और अपने अंदर ये फील लेना होगा कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है, मैं ये पढ़ रहा हूँ, मेरा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब तक कोई भी अगर पढ़ाता है, जब तक तुम्हारे अंदर वो इच्छा नहीं होती हाँ मुझे इनसे ये समझ में आ रहा है, तब तक तुम नहीं सीख पाओगे, ठीक है। तुमको अपने अंदर लाना होगा कि हाँ मुझे इससे सीखने को मिल रहा है, इस वीडियो सीखने को मिल रहा है। तो आपको ये जो 20 क्वेश्चन है, सॉरी 20 नंबर हैं आपके, वो आपके यहाँ से पक्के हो जाएंगे, जो MCQ के फॉर्म में होंगे। मैं MCQ कराऊंगा, निश्चित उसी से हो जाएगा, अति भी उसी से हो जाएंगे आपके, ठीक है। ये उसके बाद, अब देखो ये तो उन बच्चों के लिए है जो मतलब सिर्फ पास होना चाहते हैं, तो 17 नंबर आपके आ जाएंगे, 3 नंबर एक्स्ट्रा हो जाएंगे इसमें, मान लो एक नंबर रह भी गया तब भी आपके 19 नंबर आ जाएंगे, ठीक। ये उन बच्चों के लिए, ये मेरे तरफ से, ठीक। अब देखो जो
इससे भी अच्छा करेंगे। मान लो जो नए इंटरेस्ट है कॉलेज भी बराबर जा रहे हैं, दो दो बच्चे टाइप के बच्चे होते हैं जो कॉलेज भी नहीं जाते हैं कुछ लोग, तो जो कॉलेज भी प्रॉपर जा रहे हैं वहाँ पर प्रॉपर ध्यानपूर्वक पढ़ भी रहे हैं, ठीक है, और घर पर भी अपना मेहनत कर रहे हैं, अब उनका तो यहाँ से 20 नंबर है तो कवर उनका भी है, ठीक है। अब जो वो लोग इतना पढ़ रहे हैं तो वो और लोग क्या करेंगे, वो विस्तृत के तैयार करेंगे, यानी कि जो MCQ फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, देखो कोई भी क्वेश्चन जो बड़ा होता है विस्तृत, वो किससे मिलकर बना होता है, छोटे छोटे से मिलकर बना होगा ना, अब माला एक बनी होती तो मोतियों से मिलकर बना होती है, यानी कि जो बड़े क्वेश्चन होते हैं ना वो किसी छोटे छोटे क्वेश्चनों से मिलकर ही तो बना होता है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको यहाँ से कब मिलेगी, बूस्टअप, यानी कि अगर आपको दो निश्चित तैयार हो गए, ठीक है, मान लो जैसे पूछेगा माइटोकांड्रिया का चित्र बनाओ, उसकी क्रियाविधि समझाओ, ठीक है, अब भाई चित्र जब हम आपको अति में चित्र बता दिए एक बार में, एक बार में उसके कार्य बता दिए, तो पूरा लग क्वेश्चन तैयार होगा कि नहीं होगा, देखो यहाँ से सबको समझना है। अब जो बच्चा वहाँ पर जा रहा, कॉलेज जा रहा प्रॉपर, वहाँ पर पढ़ भी रहा प्रॉपर, घर पर भी मेहनत कर रहा है, तो उसको इससे क्या मिलेगा, डबल बूस्टअप मिलेगा, ठीक है, इसको करेगा फिर अपना वो करेगा तो इसको डबल बूस्टअप मिलेगा। उसके बाद जब पेपर नज़दीक आपके आ जाएंगे, ठीक है, उसके जस्ट एक दिन पहले या दो दिन पहले मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो लघु उत्तरी प्रश्न होते हैं वो विस्तृत प्रश्न होते हैं, आप लोग वीडियो उठा के देख लीजिएगा, जैसे जैसे मैंने क्वेश्चन बताए थे पिछली बार वैसे ही आपके क्वेश्चन फंसे हुए हैं। मैं नहीं कहता, आप लोग जाके जाइए उसमें कमेंट देखिए, जो बच्चों ने खुद वहाँ पर आके कमेंट किए हुए हैं, ठीक है, 250-300 कमेंट होते हैं उसमें, आप देखेंगे बच्चों ने क्या रिस्पॉन्स दिया है, तो आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताता हूँ वो आपके फंसेंगे जरूर, ठीक है, उस हिसाब से, क्योंकि मैं भी ऐसे नहीं बताता हूँ, सारे जो आपके प्रीवियस ईयर हैं उनको एनालिसिस करके तब आपको तैयार करके देता हूँ, ठीक है, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम आपके कवर हो जाएँ, ठीक है, बाकी मैं यहाँ से इतना क्वेश्चन आपका कवर ही करा दूंगा। तो ये आपको करना रहेगा, ये आपको वीडियोज़ जो हैं आपको ये प्रॉपर आपको देखनी होंगी, ठीक है, वीडियोज़ आपको देखनी होंगी प्रॉपर, जो भी आते रहेंगे सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, कुछ सब्जेक्ट मान लो आज एक दो दिन के गैप पर आते, क्योंकि मैं वीडियो पूरी शूट करता हूँ, एडिटिंग करता हूँ, सब काम काफ़ी रहता ना, तो थोड़ा लेट भी हो सकते हैं, तो टाइम की कमी रहती है, तो एक दो दिन लेट भी हो सकती है वीडियो, वो आपको देखना होगा, क्योंकि मान लो आज ये एग्रोनॉमी की आ गई, किसी दिन पशुपालन की आएगी, फिर अर्थशास्त्र की आ गया, इस तरीके से आपका चलता रहेगा, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ऐसे करके वीडियो को कंप्लीट करनी है, आप कुछ नहीं करिए, सिर्फ वीडियो देखते रहिए, वीडियो जब बार बार तुम देखोगे, क्योंकि मैं क्वेश्चन उसी हिसाब से रिपीट भी करूँगा, ताकि आपको याद कराना, मुझे ये नहीं करना ना कि आप लिखें उसको, अगर लिख लेते हैं तो अच्छी बात है, अगर आप लिखना भी नहीं चाहते सिर्फ आप वीडियो देखते हैं तो आपको मैं इतना बार बार पढ़ाऊँगा ना कि आपको याद हो जाएगा, तब तक दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है, बस आपको वीडियो देखनी होगी कंटिन्यू, ये आपको करना होगा। बाकी जो बच्चे यहाँ पर जो इसको तैयार कर लेते हैं उसके बाद अपना घर पर भी पढ़ते हैं और कॉलेज भी जाते हैं प्रॉपर, तो उनके लिए और अच्छा रहेगा, ताकि उनका बूस्टअप भी मिलेगा ना, ये आपका तैयार होगा तो ये आपको लघु विस्तृत करने में आसानी रहेगी। अब बात करें इसमें बैक सबसे ज़्यादा किस चैप्टर में ज़्यादा, मतलब किस सब्जेक्ट में ज़्यादा लगती है, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ, दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है। देखो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लली जो बाइक लगने की चांसेस रहते हैं वो किसमें ज़्यादा रहते हैं, बात करें तो आपकी, देखो डिपेंड ऑन द स्टूडेंट के ऊपर भी होता है कि मतलब किसे उसे कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द केस रहता है आपका रसायन विज्ञान जो होती है, रसायन विज्ञान में चांसेस ज़्यादा रहते हैं आपके बाइक लगने के, बच्चों काफ़ी बच्चों के रसायन विज्ञान में बाइक लग जाती है, और आपका जो है ये कृषि जंतु विज्ञान, इसमें भी बाइक लगने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो थोड़ा इनको फोकस से आपको पढ़ना होगा, ठीक है। और तीसरे नंबर पे आता है आपका कृषि अर्थशास्त्र, क्योंकि यह कठिन नहीं है सब्जेक्ट, कठिन बिल्कुल नहीं है अर्थशास्त्र, सिर्फ क्या इसकी टर्मिनोलॉजी कठिन होती है, ठीक है, तो स्पेशली आपको फोकस किस पे करना है, कृषि रसायन विज्ञान पर थोड़ा फोकस करके आपको पढ़ाई करना होगा, क्योंकि ये थोड़ा चैप्टर ये हार्ड कह सकते हो एक प्रकार से, ठीक है। जंतु विज्ञान पर अगर आपका कक्षा 11 में अगर आप पढ़ें अच्छी तरीके से बॉटनी, क्योंकि बॉटनी में जो सेल वाला पार्ट है अगर अच्छी तरीके से पढ़े से तो इस बॉटनी भी आपको समझ में आएगी, ठीक है। इकोनॉमिक्स अगर तुम आप समझने की कोशिश करोगे, अपनी लैंग्वेज में बनाना सीखोगे, यानी हिंदी थोड़ी बहुत आपको आती है और आप उसमें कुछ लिख सकते हैं, तो आप अर्थशास्त्र का अच्छी तरीके से कर पाओगे, ठीक है। बाकी मैं इसकी वीडियो ऑलरेडी मैं प्रोवाइड कराऊंगा, आप उससे टेंशन मत लीजिए, ठीक है, कैसे आपको करना है मैं ये तो याद तक करा ही दूंगा, ठीक है। इनको थोड़ा आपको फोकस से ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और कृषि विज्ञान वगैरह इसमें थोड़ा आपको करना ही होगा, बाकी मैं आपको फ्लो चार्ट वगैरह से तरीके से मैं पढ़ाऊंगा, क्रिक के माध्यम से बैट राइटिंग वगैरह, तो आप आसानी से याद कर लेंगे, ठीक है, उसकी आप चिंता मत करिएगा।
ठीक, तो ये आपको ऐसे रहेगा, ठीक है। ये पूरा आपको अच्छी तरीके से तैयार करना होगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही होगी, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप तक वो बात पहुँच पा रही हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा मैं आपके लिए क्या बता पाया हूँ इसमें, और मैं आपको क्या इससे दे पाया हूँ जो आप समझ पा रहे हैं। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और पासिंग मार्क्स वगैरह मैंने बता ही दिया, ठीक है। कमज़ोर बच्चों के लिए जो भी आपका है, क्या क्या आपको करना है, जो नहीं जा गए हैं अभी तक स्कूल ही नहीं जाते, तो आप लोग इसको फॉलो कर लीजिए बिल्कुल अच्छी तरीके से, कंटिन्यू देखना है आपको, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इसकी तैयारी करना। बाकी सामान्य हिंदी में क्या क्या चैप्टर हैं, मतलब कौन कौन से, क्योंकि इसमें दो प्रकार से होते पेपर, एक ही पेपर होता है लेकिन दो उसमें होते हैं खंड, जिसमें 50 नंबर एक का, 50 नंबर एक का, यानी कि आपके इसमें 20 तो MCQ रहते हैं सिर्फ सामान्य हिंदी में। तो ये 20 MCQ को भी आपको तैयार करना है। ये कैसे करना है मैं बताऊंगा ना, कैसे करना है। और उसकी जो संधि है, व्याकरण में जो व्याकरण है आपका, ये सभी चीज़ें मैं तैयार करा दूंगा आप लोगों का, जो संधि वगैरह है ना, तो सब ट्रिक के माध्यम से आपको सब अच्छे तरीके से तैयार करा दूंगा। आप परेशान मत होइए हिंदी के लिए, हिंदी के लिए स्पेशल जल्द ही स्टार्ट कर रहे हैं। और उसके बाद में जो इसमें जो आपका सिलेबस है वो भी मैं क्लियर कर दूंगा, क्या क्या है, क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि सब कुछ नहीं पढ़ना है, सामान्य हिंदी आप लोगों की है, हिंदी नहीं है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।